आवाज समाचार में आपका स्वागत। उधर टेक महिंद्रा के तिमाही नतीजों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दबाव देखने को मिला है। कंपनी की सबसे बड़ी चिंता ब्रिटिश टेलीकॉम की ओर से है। बीटी के आईटी खर्चों में कमी का असर टेक महिंद्रा पर जरूर पड़ेगा। इस बारे में हमारी संवाददाता छवि डंग ने कंपनी के सीईओ संजय कालरा से बात करी। आपके सबसे बड़े कस्टमर बीटी के बारे में बात करते हैं, उनका उनकी तरफ से जो इस साल इस क्वार्टर में जो बिजनेस आया है उसके बारे में अगर आप बता सके, आपने वहाँ पे कहा फ्लैट रहा है, क्या रीजंस रहे हैं बीटी के साथ, किस तरीके के चैलेंजेस इस वक्त आप फेस कर रहे हैं? देखिए, बीटी में दो तीन चीज़ें हो रही हैं। पहला ये कि उनके ऊपर अपने कॉस्ट के लिए बहुत प्रेशर है बीटी के ऊपर। जब उनके कॉस्ट पे प्रेशर होता है तो उनके जो सबसे बड़ा उनका जो वेंडर होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है। इस समय एक बदलाव ये है कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे उनके ऊपर भी बीटी हमसे डिस्कस कर रहा है कि उसमें वो कई ऐसी चीजें करते थे जो कि बीटी शायद अब स्ट्रैटेजी अपनी बदल ले, करना बंद कर दे, या आज नहीं करेंगे, छह महीने के बाद या एक साल के बाद करेंगे। तो उस तरह के बदलाव हो रहे हैं और हमारे ख्याल से उन बदलावों से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में कह रहे हैं आपको काफी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं वहाँ टेलकोस के साथ में, किस तरीके की, टिपिकली कितने साइज की आप डील्स वहाँ से देख रहे हैं इंडिया आती हुई, और किस तरीके का काम आप लोग उनके लिए कर पाएंगे? मिडिल ईस्ट में काफी नए टेलको, वायरलेस टेलकोज नए आ रहे हैं, और ये टेलकोज हमसे बात कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हम उन्हें सॉफ्टवेयर सर्विसेज देंगे, वो हमसे इसलिए बात कर रहे हैं कि क्या आप हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ सिस्टम प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो उस जगह पे कोई हमें ये नहीं बताता कि टेक महिंद्रा आप ये काम कीजिए, वो हमें ये कहते हैं कि हमारे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ काम करके आप सिस्टम को डिज़ाइन करिए, फिर आप उस सिस्टम को डेवलप करिए, फिर आप प्रोसेसेस बनाइए, फिर आप हमारे स्टाफ को या अपने स्टाफ को वो प्रोसेसेस सिखाइए, और उसके बाद आप ही इसे ऑपरेट करें 3-4-5 साल के लिए। तो हम ऐसी हम और डील्स देख रहे हैं। आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।